हिमाचल प्रदेश वन विभाग कर्मचारी महासंघ द्वारा सोमवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कर्मचारी हितों की अनदेखी और सरकार द्वारा कर्म कारोटों के रोके गए वेतन भत्तों और वन विभाग में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में अवगत करवाया गया। अधिक जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश वन विभाग कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष प्रकाश बादल ने बताया कि पिछली सरकार से लेकर अभी तक कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं और समस्याएं हैं, वे सरकार तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, और यदि पहुंच रहे हैं तो सरकार उसे क्यों लागू नहीं कर रही है। क्योंकि मैं वन विभाग को लीड कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में जो वन विभाग है वो सबसे महत्वपूर्ण विभागों में एक है। हमारे विभाग में बहुत सारी चीजें हैं, और हम अभी अभी हमें हमारे नए मुखिया मिले हैं डॉक्टर पवनेश जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई है, उनसे भी हमें बड़ी उम्मीदें हैं। तो मैं अपने विभाग की कुछ समस्याएं भी आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जिन समस्याओं में सबसे पहले हमारे तीन चार विंग है। एक हमारे क्लास फोर होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, एक हम मिनिस्ट्रियल के लोग और जो ऑफिस में बैठते हैं PA प्राइवेट सेक्रेटरीज होते हैं, दूसरे फील्ड का स्टाफ होता है, तीन और चौथे अधिकारी होते हैं। चार हमारे विंग है एक तरह से देखा जाए, जो मजबूत पिलर है, उसमें एक फील्ड स्टाफ के जो लोग हैं वो होते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी आपने पिछले रिसेंटली देखा होगा फॉरेस्ट फायर्स में हजारों एकड़ फॉरेस्ट जंगल जल गए, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े इस वक्त नहीं है क्योंकि हमारा एक अलग विंग इसको करता है। तो उसके बावजूद भी हमारे फील्ड के लगभग अंदाजन 350-400 फॉरेस्ट गार्ड्स दफ्तरों में काम कर रहे हैं, एक क्लर्क का काम कर रहे हैं, और हमने कई बार लिख के दिया है कि इस बारे में कि आप इनको फील्ड में लगाएं। इसी तरह डिप्टी रेंजर, लगभग 100-150 डिप्टी रेंजर दफ्तरों में, उनको कोई लीगल में लगा दिया गया है और कोई वो स्पेशल पोस्टें उनके लिए क्रिएट कर दी गई है। एक सर्कलों में RRT क्रिएट कर दी गई है, रैपिड रिस्पॉन्स टीम, उनका होता है कि अगर कोई आपदा हो रही है, कुछ हो रही है, तो वो फील्ड में जाके फील्ड के स्टाफ को सपोर्ट करेंगे। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ये जो फील्ड के कर्मचारी है, ये मुझे लगता है कि इनको गलत तरीके से पोस्ट किया गया है। इनको वन विभाग ट्रेनिंग दे के स्पेशल लाखों रुपये खर्च करके जंगलों की रक्षा के लिए भर्ती करता है, तो इनको दफ्तरों में क्यों बिठाया गया है। हमने माननीय सेक्रेटरी फॉरेस्ट को भी लिख के दिया है, हम पिछले हॉप साहब को भी हमने लिख के दिया था, जो पिछले अब नए हॉप आए हैं, ये DFO से लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मुझे हमें इनसे उम्मीद है, हम इनसे जल्दी बैठक करने जा रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से भी हम इनको, अगर अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि जो फील्ड का स्टाफ है, जो ये जंगल जले हैं इसलिए जले कि हमारी फील्ड में स्टाफ कम है, वो दफ्तरों में काम कर रहा है, फील्ड के स्टाफ को फील्ड में भेजा जाए और हमारे जो दफ्तरों के स्टाफ है वो भर्ती किए जाए। हमारी 150 से ज़्यादा क्लर्कों की पोस्टें खाली है, सीनियर असिस्टेंट की 100 से ज़्यादा पोस्टें खाली है, वो पिछले काफ़ी समय से भर्ती नहीं की गई है। तो फील्ड के स्टाफ को फील्ड में भेजा जाए। और अगर इसी तरह मैं आपको बताऊँ कि हमारे जो रेंज ऑफिसर्स हैं वो भी RO लीगल लगा दिए गए हैं, उनको दफ्तरों में पार्किंग, जो लोग रिसोर्सफुल लोग होते हैं वो दफ्तरों में पोस्टिंग करते हैं और करा लेते हैं अपनी, और जो लोग बेचारे फील्डों में काम कर रहे हैं उनके ना उनका किसी अवार्ड में नाम होता है, ना उनको कोई पूछता, वो फील्डों में जो है कई बार चार्जशीट हो जाते हैं क्योंकि उनके पास दो दो तीन तीन रेंजों का चार्ज है। मैं आपको हैरानी होगी, एक बीट हमारी लगभग 3 से 5 किलोमीटर के बीच की होती है, एक फॉरेस्ट के गार्ड के पास कई जगह 6-6 बीटों का चार्ज है। आप बताइए कि एक फॉरेस्ट गार्ड 6 बीटों की रक्षा कैसे करेगा। एक डेप्टी रेंजर के पास 3-3 ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक में 4-4 बीटें होती है, आप सोचिए एक ब्लॉक को कैसे देखेगा। ऐसे ही रेंजों की हालत है। तो क्लर्कों का काम फील्ड स्टाफ से जो लिया जा रहा है, हम हिमाचल प्रदेश सरकार से भी, क्योंकि ज़्यादातर सरकार के माध्यम से DO आते हैं कि इनको यहाँ लगा दिया जाए, आग्रह करते हैं कि फील्ड के स्टाफ को फील्ड में जाए। और मैं फील्ड के लोगों से भी आग्रह करते हैं, जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, जो इनकी एसोसिएशंस हैं, कि कृपया वो जहाँ उनकी ड्यूटी है वहाँ ड्यूटी करें। अगर उन्होंने हमारे कार्यक्षेत्र में दखल दिया तो एक तरह से ये सरकारी धन का भी दुरुपयोग है, उनको गलत, जिस काम के लिए पैसे मिल रहे हैं वो काम नहीं कर रहे, वो क्लर्क का काम कर रहे हैं। और दूसरा, वो जंगलों की, हमारी जंगलों की दुर्दशा भी हो रही है, देखरेख भी हो रही है, और कई लोग फॉरेस्ट गार्ड जिनके अच्छे से बीटों का प्रेशर है, वो लोग मानसिक तनाव में, और कई लोग मार भी दिए जाते हैं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा बीटों का चार्ज होता है, उनके ऊपर चार्जशीट होती है। किसी को आपने होशियार सिंह
केस सुना होगा, तो उसके पास एक्स्ट्रा बर्डन था, तो आज तक वो रिजॉल्व भी नहीं हुआ। ऐसे ऐसे फॉरेस्ट गार्ड मारे जा रहे हैं, कई जगह उन पर हमले हो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप हमारी आवाज़ पहुँचाएं कि फील्ड स्टाफ को, वन विभाग के फील्ड स्टाफ को फील्ड में तैनाती दी जाए, दफ्तरों में ना दिए जाए, रहने ना दिए जाए, क्योंकि इनको हम ट्रेंड करते हैं जंगलों की रक्षा करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।